अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको बड़ी ईद मुबारक हो। हम जा रहे हैं अभी नमाज़ पढ़ने, ईद की नमाज़, और उसके बाद आकर फिर मैं चेक कराता हूँ क्या सीन है। नमाज जी हो गई है, अभी गैराज में गाड़ी बाइक्स वगैरह खड़ी हुई हैं, इनको निकालूं, क्योंकि हमने 6:30 बजे का टाइम दिया था कसाई वालों को, कसाइयों को, तो वो आते ही होंगे, तो तब तक ज़रा सफाई सफुई की जाए, तो फिर देर में फिर वेड़ा भी आ जाएगा। यार कसाईयों को आने में कुछ देर लग गई, जिस वजह से मैं सो गया था। बगल देख रहे होंगे आपके बैठ गए हैं, तो अब मैं समझे गाड़ी निकाल रहा हूँ बाहर, और वेड़ा लेने कसाई जा चुके हैं, मैं गली के बाहर बंदा हुआ, तो लेकर आते ही होंगे, तेरे हम गाड़ी निकालते हैं, फिर आपको चेक कराता हूँ। ले जी, जगह साड़ी बन चुकी है गैराज में, और बाहर गाड़ियाँ जा चुकी हुई हैं, अब वेड़ा लेकर आते ही होंगे। बस मैं जाके देखता हूँ क्या सीन है। ये इधर खड़ा है शहजादा, ये है अपना वेड़ा, ये जनाब जा रहा है अपना बच्चा। थोड़ा डरपोक है, कल मुझे भी टांग ज़रा उठाने लगा था, मेरे ऊपर भी टांग उठाने लगा था, तो लग से बच गया, डरपोक है ज़रा। वेड़ा ना ज़्यादा डर है, काफ़ी ज़्यादा डर है। दो चार बंदे ले आओ यार, मुंह पे कपड़ा बांध रहे हैं उसके, ताकि वो देख ना पाए क्या सीन है। कहंदा की हो गया अगली टांग बांध ली। अब इसको शायद पेटी बांधने लगे हैं इसकी। हाँ, पेटी बांध के सुख गिराएंगे अब। काबे की तरफ ही मुंह है ना। अब मैं नीचे आ गया हूँ, क्योंकि अब गिर चुका है उनके काबू में। है तो गोश्त वाली ईद, लेकिन हमें ये दाल ही अच्छी लगती है। वैसे गोश्त देख देख के दिल भर गया है, हम दाल ही खा रहे हैं, साथ में थोड़ा सा ऑमलेट मैं ले लगाऊँ। जनाब हम कीमा निकलवाने हैं। लो जी यार, कीमा वगैरह भी हो गया, सब कुछ हो गया, सफाई भी हो गई, और गोश्त भी बांट दिया। अब फाइनल राउंड रह चुका है, वो है कीमे की टिक्कियाँ खाने का, जो कि मस्ट होती हैं बड़ी ईद पर, तो अब वो खाते हैं, और आप मैं चेक कराता हूँ कि घर की बनी हुई टिक्कियाँ हमारी कैसी हैं। ये है जनाब हमारे टिक्कियाँ, ये चेक करें, नहायत ही जूसी जूसी हैं, ज़बरदस्त किस्म की हुए हुए कमाल। इसके साथ ये मिंड की चटनी है, ज़बरदस्त।
ये चेक करें, फुल ऑन जूसी सीन्स हैं, नहायत ही मज़ेदार हैं, टेंडर सी और ना कोई ज़्यादा स्पाइसी। अगर आप में से भी किसी का दिल कर रहा है खाने का टिक्कियाँ तो मुझसे रابطہ करें और मेरे घर आएँ, आपको मैं टिक्कियाँ चेक कराता हूँ। और इन मसालेदार टिक्कियों के साथ कोई आइस चिल्ड कोक हो तो क्या ही मज़े हैं, ओए होए ज़बरदस्त, फुल चिल्ड है, मज़े आने लगे हैं। ले जी, रात हो चुकी भी है, 12 बज चुके हैं, मैं थकावट भी है और नींद भी बहुत ज़्यादा पूरी करने वाली है। तो इंशाल्लाह अब अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी आपसे। अपना ख्याल रखिएगा और भाई को दुआ में याद रखिएगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर आप लोग नहीं करते तो ये सब कर दीजिएगा। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।